स्वामी विवेकानंद अपनी आध्यात्मिक सोच के साथ पूरी दुनिया को वेदों और शास्त्रों का ज्ञान देकर गए, लेकिन 40 साल से भी कम उम्र में उनकी मौत आज भी कईयों के लिए एक रहस्य है। कईयों के लिए इसलिए क्योंकि उनके फॉलोअर्स मानते हैं कि स्वामी जी ने स्वेच्छा से समाधि लेकर शरीर त्याग किया था, लेकिन वैज्ञानिक आधारों को मानने वाले इस समाधि के कॉन्सेप्ट पर विश्वास नहीं करते। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 साल की उम्र में महासमाधि धारण कर उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन को बदल दिया था। चलिए जानते हैं कि आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने विवेकानंद का जीवन बदल दिया था। बात उन दोनों की है जब स्वामी विवेकानंद नए नए सन्यासी बने थे। उस समय तक उन्होंने प्राण मात्र में समान भाव से ईश्वर के दर्शन के संदेश का गंभीरता से अध्ययन नहीं किया था। एक बार वह गांव की स्थिति को अध्ययन करने तथा लोगों को सदाचार बनने और दुर्व्यसनों से दूर रहने का उपदेश देने लगे। भीषण गर्मी में स्वामी जी एक गांव से गुजर रहे थे। उन्हें प्यास लगी थी। खेत की मेड़ पर बैठे एक व्यक्ति को लोटे से पानी पीते देखकर उन्होंने कहा, भैया मुझे भी थोड़ा पानी पिला दो। उस ग्रामीण ने भगवा वस्त्रधारी को देखकर सिर झुकाया और बोला, महाराज मैं निम्न जात का व्यक्ति, आपको अपने हाथों से पानी पिलाकर पाप मोल नहीं ले सकता। स्वामी जी यह सुनकर आगे बढ़ लिए। कुछ ही क्षणों में उन्हें लगा कि उन्होंने सन्यासी बनने के लिए जाति परिवार और पुरानी चल रही गलत मान्यताओं का त्याग कर दिया। फिर आग्रह करके उस निश्चल ग्रामीण का पानी क्यों नहीं स्वीकार किया? उनका जात अभिमान क्यों जाग उठा? यह तो अधर्म हो गया। वह तुरंत किसान के पास लौटकर बोले, भैया मुझे क्षमा करना, मैंने तुम जैसे निश्चल परिश्रमी व्यक्ति के हाथों से पानी न पीकर घोर पाप किया है। निम्न जात तो उसकी होती है जो दुर्व्यसनी और अपराधी होता है। स्वामी जी ने उसके हाथों से पानी ग्रहण किया। बाद में वह खुलकर ऊंच नीच की भावना पर प्रहार करते रहे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की इस छोटी सी कहानी से आपने क्या सीखा, प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।